हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद एमएस मामा चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेसिपीज़ की वीडियोस डालती हूँ, लेकिन मैं व्लॉग्स भी डाल देती हूँ। तो ये मेरा थर्ड व्लॉग है, होप कि आपको पसंद आएगा। तो ये मेरा व्लॉग है बहरीन से इंडिया की जर्नी का। एक्चुअली अभी मैं इंडिया में हूँ, तो वीडियो एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैं इंडिया से लगभग 15 डेज बाद ही व्लॉग डाल रही हूँ। तो ये हम जा रहे हैं कोविड टेस्ट के लिए बहरीन में। जब हम इंडिया आ रहे थे तो हम लोग 5 पर्सन्स थे, 3 मेरे बच्चे थे, इसमें मेरा इन्फेंट बेबी था 7 मंथ्स का, तो उसका भी कोविड टेस्ट हुआ था। तो हम 5ों का कोविड टेस्ट हुआ था। तो ये हमने अपने आने से एक दिन पहले लगभग कराया था। हमारी फ्लाइट रात के लगभग 9:45 बजे की थी और हमने एक दिन पहले 11 बजे कोविड टेस्ट कराया था। तो हमारी जो रिपोर्ट्स थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल गई थी। तो जो टाइम हमारा स्टार्ट हुआ था वो वहीं से ही हुआ था जब हमने कोविड टेस्ट कराया था। तो अभी सिचुएशन ये हो गई है कि पहले था कि 72 आवर्स पहले करा सकते हैं हम, लेकिन अब 48 आवर्स पहले ही रिपोर्ट चलेगी। तो देखिए, कोविड टेस्ट करा लिया था, यहाँ मैं सलून आ गई थी, एलिगेंस सलून, ये हिद में है 404 रोड पे। तो काफ़ी अच्छा सलून है, मुझे इनकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने अपनी बेटी का कटिंग करा ली थी। अब हम लोग, रात हो गई है, अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। तो हम जब मैं पहले आई थी तो मैं पुराने वाले एयरपोर्ट से आई थी, तो ये बहरीन का नया एयरपोर्ट है, न्यू एयरपोर्ट में हम लोग आए हैं। ये बड़ा ही प्यारा लगा मुझे, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और अभी मैंने सिर्फ इंडिया से बहरीन ही ट्रैवल करा है, तो मैंने यही दो एयरपोर्ट्स देखे हैं, एक बहरीन का और इंडिया का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए आप, कितना प्यारा बनाया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे लगेज कराने के लिए आ गए हैं। फ्लाइट हमारी गल्फ एयर थी, तो उसमें 23 kg के 2 बैग्स पर पर्सन अलाउड थे। तो हम लोग लगेज करा रहे हैं, तो हमारे काफ़ी बैग्स हो गए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा लगेज ले जा सकते थे। देखिए, मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ, छोटे बेटे के साथ। तो बेटर है कि आप लोग डायरेक्ट फ्लाइट करो जब बेबी छोटा होता है, वरना परेशानी हो जाती है। तो हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी, मेरे हस्बैंड ने ये प्रेफर करा था। तो टाइमिंग हमारी थी कि रात को हम 9:45 से लगभग इंडिया के हम लोग 4:30 बजे लैंड कर गए थे इंडिया में। बहुत इजी है बहरीन पे एयरपोर्ट पे, बहुत इजी, कन्वीनियंट है सब कुछ। कोई हमें भीड़ वगैरह नहीं मिली थी कोविड की वजह से। वैसे भी कम थोड़ा सा पैसेंजर्स जा रहे थे, तो हम लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई यहाँ से निकलने में। इजीली हम लोग लगभग 2 घंटे पहले पहुँच गए थे, तो काफ़ी टाइम वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं बहरीन में, तो आप देख सकते हो। ये बहरीन के एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे आउटलेट्स थे, तो बड़ी प्यारी प्यारा सब चीज़ें लगी हुई मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं। ये देखिए पूरा नज़ारा बहरीन के एयरपोर्ट के अंदर का, कितना प्यारा है सब कुछ। मेरी जो
बड़ी बेटी है उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, इस वजह से उसका स्कूल बैग भी हमें कैरी करना पड़ गया था। तो ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट करा था क्योंकि चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी तो हम थक गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। जब हम लोग बहरीन से निकले थे तो बिल्कुल नॉर्मल था मौसम, इतना ठंडा नहीं था, लेकिन जब हम लोग इंडिया आए थे तो हम लोग आए थे 28 नवंबर को हमने इंडिया में लैंड करा था, तो बहुत ही ठंड लगी हम लोगों को यहाँ आने के बाद और काफ़ी हम लोग बीमार भी हो गए थे। जो के लिए ये मोमेंट्स बड़े ही इन्जॉयबल होते हैं। बच्चे तो फ्लाइट में सोए भी नहीं थे, यानी कि पूरी रात बच्चे ना जागते रहे थे, मूवीज़ वगैरह देखी बच्चों ने, बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे फ्लाइट को। और ये देखिए छोटू भी बड़ा इन्जॉय कर रहा है क्योंकि इसे स्टार्टिंग में जब ये छोटा था तो इसे ट्रैवलिंग अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन थोड़ा ये बड़ा हुआ है तो इसे इस तरह से बड़ा मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में। तो ये देखिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर रही है, तो ये टेक ऑफ की वीडियो भी मैंने बना ली थी। ये देखिए फ्लाइट जो है हमारी टेक ऑफ कर चुकी है, आप बहरीन का नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं।
तो ये आ गया है हमारा डिनर। तो डिनर में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सारे पार्सल्स हम लोगों ने नॉनवेज लिए थे, तो इसमें चिकन करी थी और राइस थे और सैलेड था, एक बिस्किट था और दो या तीन लेबनानी ब्रेड्स थी और वाटर, और हमें बाद में कोल्ड ड्रिंक, जूस और टी का जो था वो चॉइस थी, जो हम चाहें वो ले सकते हैं। तो यही सब था डिनर में। और खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी था। गल्फेयर का जो डिनर था काफ़ी और आप देख सकते हो कि जो हमारी फ्लाइट है वो लैंड कर गई थी इंडिया के लिए, और अब हम लोग आ गए हैं इंडिया के एयरपोर्ट पे। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी सब लोगों से मिलने के लिए। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो मुझे हम लोगों को लेने के लिए आए थे। तो यही व्लॉग मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।